अपना माल हो तो लुटाने में मजा आता है। थोड़ा हो जाएगा पर कम होगा। उसमें क्या है कि जब बैटरी कम चार्ज रहती है तो आवाज़ का आवाज़ के ऊपर भी फर्क पड़ता है। आपने नहीं ध्यान दिया, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा? नहीं नहीं कल का नहीं कह रहा हूँ, जैसे अभी आज बैटरी लो है ना, तो आज का जो रिकॉर्ड होगा ना तो उसमें सुनने में भी आनंद नहीं आएगा। हाँ नहीं तो वही तो बता रहा हूँ कि जो सुनने में आनंद नहीं आवे तो समझ जाए व्यक्ति, तो स्वामी जी ने पहले ही कह दिया था। इतने आप कह रहे हैं ना रिकॉर्ड हो रहा है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद रस रत्नाकर 29 सितंबर ध्यान योग। ध्यान योग में भी अभी प्रवचन शुरू नहीं हुआ है ध्यान योग का, प्राक कथन का मतलब ध्यान योग के पूर्व में महर्षि ने जो भूमिका रूप में बोला है उसमें से ये लिया गया है आज का पृष्ठ। तो आज के पृष्ठ में महर्षि एक विशेष बात बताने जा रहे हैं, वो क्या कि हम लोगों की विशेष रूप से जो लोग साधक हैं उनके जीवन में ये प्रयास होना चाहिए कि जो भी बात को हम सुने या पढ़ें तो वो हमें उसका मनन करके और वो बात अपनी हो जाए। अपनी हो जाए का मतलब क्या है कि एक तो हमने रट लिया, तो रट लिया तो रटी हुई बात को हमने बोल दिया, वो बात अभी अपनी नहीं हुई यानी अपना अनुभव नहीं हुआ। और एक बात है क्योंकि ये तो जितना भी कहा जा रहा है अध्यात्म में वो अपने बारे में कहा जा रहा है, जितने विज्ञान हैं तो विज्ञान हैं वो किसी और वस्तु के बारे में होते हैं। तो उसको तो ठीक है आप रट लीजिए, हमको ज्योग्राफी में इसलिए इंटरेस्ट था कि ज्योग्राफी में ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, रट लो उसको, और संस्कृत का चॉइस थी ज्योग्राफी ले लो या संस्कृत 9th के बाद 10th में, और फिर 10th के बाद में उसमें SSC में, तो 10th में हमने ज्योग्राफी ली। क्यों? क्योंकि संस्कृत में जो है उसमें तो संस्कृत में रटना भी पड़ता है, पर रटने के अलावा उसमें महर्षि ये समझाते हैं उस भाषा की विशेषता संस्कृत की, उसके कुछ रहस्य हैं, वो गुर अगर पकड़ में आ जाए तब ये जो राम आता है कल आया था वो, इसकी संस्कृत इसलिए अच्छी है कि उसने उसके जो जैसे आपके बिजनेस में होते हैं ना गुर बोलते हैं, गुर यानी सीक्रेट, तो वो सीक्रेट अगर किसी भी चीज़ का हमको समझ में आ जाए तो फिर वो चीज़ हमारे लिए बहुत सरल हो जाती है। तो संस्कृत में ये है भाषा में विशेषता जो कि हमको कठिन लगा, इसलिए हमको लगा कि ये ज्योग्राफी ठीक है। यहाँ महर्षि कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो विज्ञान है अध्यात्म विज्ञान, ये तो आपके बारे में ही सब कुछ कहा जा रहा है, तो जब इसको हम सुन के या पढ़ के उसको समझ लेंगे तो समझ के फिर उसको मनन करके उसे अपने जीवन में उतार लें, जीवन में उतारने का मतलब आत्मसात कर लें कि भाई ये मेरा स्वरूप। इसको उड़िया बाबा जी के शब्दों में कहें तो शुरू में श्रद्धा, बीच में विचार और अंत में अनुभव। तो श्रद्धा तो जरूरी है क्योंकि ये है ही है, ऐसा विषय ही ऐसा है, बिना श्रद्धा के जैसे कहा जा रहा है कि अद्वैत सत्य है,
और अनुभव में द्वैत आ रहा है, तो अनुभव में जब द्वैत आ रहा है तो व्यक्ति कैसे मानेगा कि अद्वैत सत्य है, और ये डंके की चोट कह रहे कि अद्वैत ही सत्य है। तो पहले शुरू में जब श्रद्धा होगी तो हम अपने अनुभव को भी नकार देंगे, जैसे कि अनुभव में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि वहाँ जल है, राजस्थान में जब जाते हैं तो स्पष्ट जल दिखता है और हम जा रहे हैं जल पीने के लिए, प्यास लगी है, वहाँ का व्यक्ति बता रहा है कि स्वामी जी वहाँ जल नहीं है, हम थोड़ी उसकी बात मानेंगे, जाएंगे वहाँ, जाएंगे तो देखेंगे कि जल तो था यहाँ पर, लग रहा है कि दूर है ना, दूर है मतलब वहाँ पहुँचे तो वहाँ नहीं था पर फिर भी दिख तो रहा है जल। तो ऐसे वो मरु मरीचिका, इसका नाम ही इसे मृग मरीचिका मतलब मृग, यानी वो बेचारा प्यासा मृग जाता है, देखता है पानी नहीं है, फिर देखता है दूर है, फिर भागता है, फिर दौड़ता है, ऐसे करके मर जाता है, मिलता नहीं है उसको पानी। तो अनुभव में तो आ रहा है कि भाई जल है, पर वो जो अनुभवी व्यक्ति है वो बताएगा कि भाई जल नहीं है। अब उसमें हमारी श्रद्धा नहीं है तो फिर जाएंगे और जाके उसका अनुभव करेंगे। तो श्रद्धा जो प्रारंभ में रहेगी तो व्यक्ति कह सकता है कि भाई चलो जिसको श्रद्धा नहीं थी आपके दृष्टांत में, तब वो गया तो उसको पता लग गया कि वहाँ नहीं है, उसको पता नहीं लगा क्यों, मृग मरीचि का नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि लगता है कि है पानी, आगे है, यहाँ दिखा भले हमको पर यहाँ नहीं है, आगे है। तो इसलिए सुख है संसार में, तो देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, पर बताएंगे लोग अरे भाई जब हमने एक एक चीज़ करके देख लिया कि नहीं है सुख, बोले चलो अब हमको, हम तुमको दूसरा तरीका बता दें, है ना, तुम दुखी हो ना, चलो हमारे साथ शाम को आओ। बोले शाम को क्या करेंगे, तुम हम कहते हैं वैसे करो। और वो बैठ गया वहाँ लेके और उसके ग्लास में डाली, अपने ग्लास में डाली, बोले पियो इसको, उसमें सुख बता रहा है कि इससे सुख मिलेगा, यानी गम को दूर करो कैसे भी करके, ये एक नया तरीका है। और उसमें इतने प्रकार के नशे हैं, अभी गुटखा वाले लोग है ना, पूरे दिन मुंह में, कल वो कह रहा था कि गोबर भरा रहता है पूरे बड़ी विचित्र है उत्तर प्रदेश की हालत, जिसको देखो बोल तो सकता ही नहीं है तो हमारा एक आता है लाखन ऑटो रिक्शा वाला, कहते हैं कैसे चल रहा है लखन स्वामी जी वो बताता हूँ फिर वो थूक के, अब सोचे कि काई को पूछा, बेचारे को थूकना पड़ा। तो वो क्योंकि वो चीज़ वो रखते हैं तो लगता है कि थोड़ा अब समय आधा घंटा एक घंटा उसमें रहेगा, थूकना पड़ता है तो फिर नई डोज लेनी पड़ती है, बहुत कठिन। तो ये गोबर में भी सुख है, ऐसे बुद्धि बना देंगे लोग, है ना, गोबर मुँह में भर के घूमता रहता है। तो बहुत विचित्र है ये दुनिया, पर बात हमको ये बतानी थी कि द्वैत अनुभव में आ रहा है और शास्त्र बता रहे हैं अद्वैत है। तो बिना श्रद्धा के, जैसे उड़िया बाबू जी महाराज ने समझाया, प्रारंभ में श्रद्धा और बीच में विचार, बीच में विचार का मतलब कोई तुमको बात नहीं समझ में आई उस पर प्रश्न करो, है ना, वो उसका उत्तर देंगे, और अंत में अनुभव। तो ये आज का पृष्ठ जो है उसमें महर्षि ये बताना चाह रहे हैं कि अपना माल हो तो लुटाने में भी मजा आता है, का अर्थ ये है कि हमारा अनुभव है ना, हम ये थोड़ी कि शास्त्र की बात जो हमने रटी रटाई है वही बोल रहे हैं। महर्षि कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा अपना माल है, एक रुक्मिणी बहन करके महर्षि की शिष्या है, अभी है बम्बई में, तो महर्षि के समय की बात है, एक संस्मरण सुना रहा हूँ, महर्षि ने खुद ही सुनाया वो संस्मरण। बोले कि एक हमारी डायरी थी, तो वो डायरी जो है उसमें हमने बहुत सारी बातें लिख रखी थी या जो भी हो, वो दे दी, तो दे दी तो उनसे मिसप्लेस हो गई, मिले नहीं, ढूंढे मिले, बहुत परेशान, इतनी मतलब अमूल्य डायरी और इसमें इतना महर्षि का लिखा हुआ है, बहुत परेशान।
एक बार बहुत ही दुखी होकर हमारे पास आए, बोले कि ऐसे ऐसे हो गया और क्या करें, बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। तो महाराज ने एक कथा सुनाई रुक्मी बेन को, एक कथा सुनो, दुखी थी ना, सुनाइए। बोले एक था लाला, लाला कुछ ऐसे ही नाम था, लालू कह दो। तो वो लालू की पत्नी जो थी तो वो बड़ी दुखी हो रही थी। क्यों दुखी हो रही थी? बोले कि बेटा मर गया। अरे तो लालू ने कहा कि बेटा मर गया तो इतने दुखी होने की क्या जरूरत है, तुम भी जिंदा हो, मैं भी जिंदा हूँ और बेटा हो जाएगा। तो महर्षि ने वो दृष्टांत क्यों दिया, कथा का कथा क्यों कही? बोले भाई तुम ये जो डायरी खो गई है उसमें दुखी होने की क्या जरूरत है, मैं तो हूँ ना अभी, अरे और लिखवा देंगे। तो अपना माल हो तो लुटाने में भी मज़ा आता है, का मतलब क्या है कि भाई वो तो हमने लिखवा दिया, वो तो हम वो हम कैसे। तो इसलिए वो उसका दृष्टांत दिया कि भाई दुखी होने की कोई बात नहीं है, है ना, उससे और बढ़िया चीज़ बता दें। क्योंकि जितना जितना अनुभव उसमें बढ़ता है, आप लोग भी इसका अनुभव करेंगे, है ना, आज से 5 साल पहले जो बुद्धि थी, है ना, तो इतना जो सत्संग कर रहे आइए, इतना जो सत्संग चल रहा है इधर में, तो इतना जो सत्संग चल रहा है, तो उससे अपने को स्वयं को समझ में आता है कि वो कैसे क्या अपने इसमें हम लोग, यदि कोई व्यक्ति 4 बात बोलता है अथवा कागज पर लिखता है तो पहचान जाते हैं कि माल उधार का है कि अपना है। महर्षि क्या करते थे कि लोगों से बुलवाते थे, अच्छा तुमने क्या विचार किया बोलो। प्रत्येक गोदानंद जी अपने नित्य बोध चैतन्य, आप लोग जानते हैं सूरत वाले, है ना, और सीताराम जी खोपोली वाले, और भी साधक लोग, कभी कभी कोई संत आ जाते थे, है ना, चिन्मय मिशन के ब्रह्मचारी वगैरह, भट्ट जी आए हैं, तो जैसे कि भट्ट जी आ गए, महर्षि बैठे हैं, भट्ट जी के बारे में पता लगा कि भाई साधक है, अच्छा सुनाइए क्या विचार करते हैं आप, तो भट्ट जी बताएंगे हमारा क्या क्या हमने मतलब वेदांत का या जो भी विचार है। तो महर्षि कह रहे कि हम लोग यदि कोई व्यक्ति 4 बात बोलता है अथवा कागज पर लिखता है, है ना, चलो बोल तो नहीं रहा है पर हमको कुछ लिखा हुआ दे दिया कि महर्षि देखिए ये हमने लिखा है आप पढ़िए, है ना। एक इनके शांतानंद जी जो मर गए, स्वामी शांतानंद जी करके दक्षिण के महात्मा थे, अच्छे संत थे, आप शायद मिले हैं, सफ़ेद दाढ़ी है, याद होगा आपको। तो उनके एक शिष्य हैं चौधरी शायद, तो वो आते हैं, वो जब भी आते हैं तो दुनिया भर का लिख के लाते हैं हमको, देखो स्वामी जी ये पढ़िए हमने लिखा है। तो महर्षि कह रहे हैं कि वो कागज़ पर लिखता है अथवा 4 बात बोलता है तो हम लोग यानी जो अनुभवी लोग हैं वो पहचान जाते हैं कि माल उधार का है कि अपना है। वहाँ से रमण महर्षि का लिख लिया, है ना, वहाँ से उसका जय कृष्णमूर्ति का लिख लिया, अरे तो इसको हमको क्या दे रहे हो, तुमने क्या किया, खाली वहाँ से यहाँ से लेके लिखा ही तो है, तो ये तो माल उधार का दे रहे हो। अच्छा बोला, बोले बोलने में है ना, रामकृष्ण परमहंस ने वो कथा सुनाई, फलाने ने ये कथा सुनाई, तो ये माल उधार का चल रहा है। तो ये बात महर्षि ने कहा कि हम लोग तुरंत पहचान लेते हैं। महर्षि का ये कहना था इस विषय में कि व्यक्ति जब भी कभी कोई चीज़ बोलता है, ज़्यादा नहीं 2-3 वाक्य, ये तो और भी बड़ी बात है, बोले उससे हमको पता लग जाता है कि वो ज्ञानी मतलब उसको अनुभव है या नहीं है। 2-3 वाक्य से इतनी ज़बरदस्त, अरे महाराज अपना माल हो तो लुटाने में भी मज़ा आता है, कैसे, बोले एक माल आज लुटा रहे हैं कल दूसरा लुटा देंगे, और उधार का हो तो देने में बड़ा संकोच होता है,
और यह होता है कि आज दे देंगे तो कल कहाँ से आएगा, फिर महाराज वही वही दोहराते हैं। ये एक बड़ी विचित्र बात है। इसीलिए महापुरुषों का जो साहित्य है, हम महाराषि का पढ़ते रहते हैं, है ना। दृष्टांत वगैरह तो रिपीट होंगे, पर जो उनकी जो शैली है समझाने की, उसमें हमेशा नई नई बातें आती रहेंगी। कभी भी अभी 365 पृष्ठ है, ऐसा नहीं लगता है कि भाई वही चीज़ वापस रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें तो चलो ये मतलब उसको हमने कई पुस्तकों से चुन के इसके संकलन किया है, पर एक पुस्तक आप ऐसे ही लेके बैठ जाओ महाराष्ट्र की, है ना, कभी ऐसा नहीं लगता है कि भाई वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं, वापस दोहरा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर उधार का माल है तो ये समस्या आ जाएगी कि भाई आज भूल दिया। तो एक महात्मा थे, बोले कि हमारा 5 दिन का प्रोग्राम, या फिर आप 7 दिन का या फिर 9 दिन का, महाराज 1 महीने का नहीं, 1 महीना क्यों? कहते थे एक तो हमने तैयार कर रखा है 5 दिन का प्रवचन, 5 दिन का रखोगे तो वो वाला सुना देंगे, 7 दिन वाला प्रवचन वो तैयार है, और 9 दिन वाला उसके बाद ज़्यादा नहीं है, तो आगे क्या देंगे। ये होता है कि आज दे देंगे तो कल कहाँ से आएगा, तो इसलिए वो पहले से ही नक्की कर लेते। फिर ये सब महाराष्ट्र की बातें सुनाई हुई है, तो बहुत मज़ेदार बातें होती हैं, तो वही दोहराते हैं। आप कथावाचकों का देख लो ना, महाराष्ट्र की भागवत सुनो। अब उसने साध्वी कंचन ने भागवत बनाई है, तो ये भागवत पाक्षिका, भागवत सुधा, भागवत रसायनम, भागवत ऐसे करके 4-5 भागवत अभी अवेलेबल है सुनने के लिए महाराष्ट्र के। एक सुन लो, उसके बाद फिर दूसरी सुनो। भागवत की कथा तो वही है, पर वो जो समझाने की शैली है उसमें रिपीटिशन नहीं। और दृष्टांतों में तो मैंने बताया कि कभी कभी होता ही है रिपीटिशन, पर और कथावाचकों का सुनो तो अब पता लग जाएगा कि ये प्रसंग आया तो वही कथा सुनाएंगे, है ना, वही बात सुनाएंगे अपनी, पहले से ही पता रहता है। तो वो उधार का माल है, वो जो है अपना माल हो तो लुटाने में मजा आता है। अब अगले पैराग्राफ में महर्षि कहने जा रहे हैं कि गीता, श्रीमद् भगवद गीता पर एक महापुरुष ने महर्षि को 2 ग्रंथ दिए। ग्रंथ थे संस्कृत में, पर संस्कृत नागरी लिपि में नहीं, बंगला लिपि में। तो बंगला लिपि में भी संस्कृत लिख सकते हैं, कन्नड़ में भी संस्कृत लिख सकते हैं, तमिल में भी संस्कृत लिख सकते हैं। हमारे तो बैठे हैं कर्नाटक के महापुरुष, तो हमको वो फणिराज मिले हैं। आप फणिराज को नाम सुना है? तो फणिराज जो है अब संस्कृत के विद्वान हैं, पर भोले नरसिंहपुर ने जो कन्नड़ में लिख रखा है पूरा का पूरा भाष्य, वो कन्नड़ का भाष्य ही रखते हैं पढ़ने में, संस्कृत का भाष्य नहीं रखते। हमको भी बड़ा आश्चर्य होता कि ऐसा क्यों करते हैं, बोले कि इसमें हमको सरलता है। तो बंगला लिपि में संस्कृत के 2 ग्रंथ महर्षि को दिए, जो अभी अगले पैराग्राफ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक का नाम था स्वयं विमर्श भाष्य और एक का नाम था स्वयं प्रकाश भाष्य। महर्षि कहते हैं कि स्वयं विमर्श भाष्य जो था वो तो मननात्मक था, यानी गीता के जो श्लोक हैं एक एक श्लोक पे उसका भाष्य था, पर इस श्लोक का जो एक्सप्लेनेशन है वो 18वें अध्याय के उस श्लोक में है ना भगवान ने किया है। तो स्वयं विमर्श भाष्य गीता में ही गीता का एक्सप्लेनेशन, और स्वयं प्रकाश भाष्य वाला जो था संस्कृत वाला ग्रंथ, अभी महर्षि कह रहे हैं हमारे पास वो दोनों ग्रंथ नहीं रहे और बाद में मिले भी नहीं हमको कहीं देखने को भी। एक तो बंगला में थे, फिर छपे होंगे, छपने के बाद फिर छपा ही नहीं होगा, बहुत सारी पुस्तकें होती है, है ना, एक बार ख़त्म हो गई फिर छपती ही नहीं। तो दूसरा जो था स्वयं प्रकाश भाष्य, उसमें उसी श्लोक में वो श्लोक अपना अर्थ दे रहा है, यानी कल्पवृक्ष है गीता का, प्रत्येक श्लोक कल्पवृक्ष है, और उसको आप
उसपे चिंतन करते रहो तो वो वहाँ पर स्वयं प्रकाश भाष्य में ये बात विशेष रूप से बताई। इस श्लोक का इसी श्लोक में ही प्रकाश हो रहा है। तो ये दो ग्रंथ महर्षि को मिले, उसकी चर्चा अभी कर रहे हैं कि हम 17-18 वर्ष के थे तो घाट घाट के साधुओं के पास जाया करते थे, यानी महर्षि खूब घूमे, है ना, जहाँ भी उनको पता लगे कि भाई यहाँ अच्छे महात्मा हैं, है ना, जाते थे। हाँ, तो एक बार भागकर चुनार गए, वहाँ दुर्गा खो नाम के स्थान में एक लिंग स्वामी नाम के एक दक्षिणी महात्मा रहते थे। यानी भारत में अब तो अभी भी हैं, ढूंढने पे मिलेंगे ऐसे महापुरुष, पर एक समय ऐसा था, ये महाराष्ट्र का समय और इसके पूर्व का समय, कि ऐसे तपस्वी और त्यागी और विद्वान महापुरुष न जगह 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 होते थे और उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता था और वो अपना पूरा जीवन जी के चले जाते थे। बहुत कम लोग पहुंच पाते थे, है ना, पता लग गया। कल आए थे एक महात्मा हमारे पास, ऐसी ऐसी बातें सुना रहे थे। वो अवधूतानंद जी के साथ आपने देखा होगा, एक रशिया में जो जाते हैं मुक्तानंद जी करके, वो कल आए थे मध्य प्रदेश में, बता रहे थे कहाँ एकदम जंगल में, और एक ब्रह्मचारी के 90 साल के ऊपर की उम्र के, कितना जप उनका और क्या क्या उनको प्राप्त हुआ उनसे। तो ऐसे ऐसे महात्मा, तो महाराष्ट्र ये दुर्गा खो की बात बता रहे हैं कि एकलिंग स्वामी नाम के एक दक्षिणी महात्मा वहाँ रहते थे। वहाँ गए तो गीता की चर्चा चली, तो अब देखिए उन्होंने समझ लिया कि भाई ये अधिकारी हैं, तो उन्होंने फिर हमको गीता की दो टीका दी, वह कहीं बाद में हमको फिर देखने में नहीं आई। एक टीका का नाम था स्वयं विमर्श भाष्य, कि आज मैंने पढ़ा, अब चूंकि बंगला लिपि में संस्कृत है तो बंगला लिपि वाला ही उसको समझ सकता है, तो इसलिए भी हमारे काम की नहीं है, समझो कहीं पढ़ा भी हो अपने, है ना, पुस्तकालय में, क्योंकि पुस्तकालय में सब प्रकार के अपने क्या कहते हैं भाषाओं के रखा है सेवानंद जी ने, बंगला विभाग में भी है पुस्तकें, कोई तो बंगला जानकार ही समझ पाएगा, यानी जो कि बंगला में बंगला पढ़ लेता हो, महर्षि बंगला जानते थे, तो उनको जब पता लग गया होगा महर्षि मतलब महात्मा को कि ये बंगला पढ़ लेते हैं, तब उन्होंने महर्षि को ये दिए दोनों ग्रंथ। अच्छा, महर्षि ने बंगला सीखी भी इसीलिए कि उस समय महर्षि कहते हैं कि बंगला लिपि में जो संस्कृत के ये ग्रंथ थे वो बहुत कम कीमत में मिलते थे, तो हमारे पास तो पैसा होता नहीं था, तो हमने बंगला सीख लिया कि भाई ये बहुत कम कीमत में हमको जो हम ग्रंथ पढ़ना चाह रहे हैं वो हमको मिल गया। तो दूसरे, हाँ, तो ये दोनों का नाम बता रहे हैं महर्षि, वह कहीं बाद में हमको मिली नहीं। एक टीका का नाम था स्वयं विमर्श भाष्य, बंगला लिपि में संस्कृत भाष्य था, और दूसरी का नाम स्वयं प्रकाश भाष्य। तो पहली तो मनन रूप टीका थी और दूसरी का अर्थ यह था कि गीता का आप पाठ करें, तो उसके श्लोक कल्प वृक्ष बताएं और वे अपना अर्थ बताना प्रारंभ कर देंगे। अब ये बात क्यों कही है महर्षि ने, वो आगे की बात हम पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। एक बात याद आई, हमने वो कर्नाटक का बताया कि कन्नड़ में संस्कृत का भाष्य लिखा हुआ, संस्कृत के विद्वानों अपनी मातृभाषा है इसलिए उसी में देख रहे हैं, तो तमिल में स्वामी जी भट्टी जी तमिल में पूरा भागवत मूल संस्कृत के श्लोक। हमारे मित्र, अब उनका शरीर नहीं रहा, जहाँ मैं दक्षिण में आप आए थे ना शाम जी, वहाँ से थोड़ी दूर चल के सुब्रमण्यम करके बड़े अच्छे विद्वान थे, उसकी बहन जो है वो संस्कृत जानती है, पर वो क्या करती थी कि वो भागवत पढ़े तो वो तमिल वाली पढ़े, मतलब संस्कृत के श्लोक। तो उसके भाई ने जो कि विद्वान था उसने मना किया, बोले तुम ऐसे मत करो, क्यों, क्योंकि तमिल भाषा में क ख ग घ नहीं है, क के बाद सीधा ख ग ख ग घ अड़ अड़ है, क के बाद अड़ तीन अक्षर बीच के गाय, च के बाद च छ ज झ नहीं है, यह है ट में ट ठ ड नहीं। तो बोले कि ये संस्कृत जो तुम तमिल में पढ़ती हो है ना, ये तुमको चूंकि संस्कृत आती है इसलिए तुमको संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए,
क्योंकि तमिल में वो उच्चारण नहीं हो पाएगा क्योंकि बीच में अक्षर ही गायब है। तो इसलिए हालांकि वो तमिल में कर तो दिया पर वो ठीक नहीं है। कन्नड़ में ऐसा नहीं है, कन्नड़ में ये असुविधा नहीं है, वहाँ पूरे के पूरे अक्षर हैं, तो इसलिए भी शायद वो उसको पसंद करते थे। पर तमिल का तो मैंने खुद ही देखा अपने सामने ही। अच्छा, बंगला में भी ये वाली समस्या नहीं, वहाँ तो लिपि में शब्द ही गायब है। ये तो खाली लिपि नागरी लिपि नहीं होके बंगला लिपि है, पर पूरे का पूरा संस्कृत लेने महर्षि अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तो महर्षि अब ये कह रहे हैं आखिरी दो पैराग्राफ में, बहुत काम की बात है। इसी ये कल जो रिकॉर्डिंग हुआ ना रचना, जो माता जी समझा रही थी, श्याम जी तो होकर भी नहीं समझने की कोशिश कर रहे थे, सोचे कि भाई काहे को इस प्रपंच में फंसे। तो इसमें भी बात यही थी, क्या जो महाराज जी अब बताने जा रहे हैं, कह रहे हैं आखिरी पैराग्राफ में बताएंगे, कह रहे हैं कि बाद में फिर मैंने शंकर भाष्य, मधुसूदनी, शंकरानंदी, तिलक भाष्य और ज्ञानेश्वरी पढ़ी। यानी ये जो दो टीकाएं उन्होंने दी महात्मा जी ने, तो उस समय तो महाराज जी अपनी साधन स्थिति में थे, फिर बाद में धीरे 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 है ना, जैसे जैसे समय बीतता गया है ना, जयदयाल गोविंद का ने कहा कि हम वो तत्व विवेचनी लिखेंगे है ना, तो आप लोग जो है गीता प्रेस में वो सब टीकाएँ देखो ऐसे करके, तो वहाँ पर भी बहुत सारी टीकाएँ महर्षि ने देखी। वहाँ घर में जब थे तब सुदर्शन सिंह चक्र, तो ये सब चार पांच लोग बैठ जाते थे, एक के हाथ में शंकरानंदी, एक के हाथ में शंकर भाष्य, एक के हाथ में मधुसूदनी, एक के हाथ में तिलक, एक के हाथ में ज्ञानेश्वरी है ना, उसी श्लोक का एक श्लोक ले लेंगे, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, तो ये सब चीज़ें महर्षि को बाद में मिली। तो कह रहे हैं कि उसके बाद तो इतना ही नहीं, क्योंकि अभी ऊपर जो नाम लिए हैं ये तो प्राय प्राय अद्वैत परक है, तिलक को छोड़ के है ना, ज्ञानेश्वरी भी मतलब एक प्रकार से है ना अद्वैत का ही मुख्य प्रतिपादन है, शंकरानंदी, मधुसूदनी और शंकर भाष्य तो है ना हम लोगों के यहाँ श्रवण मनन निध्यासन परक इनको मुख्य माना है। तो शंकर भाष्य तो खैर सबका होता ही है, आचार्य जी इस समय मधुसूदनी कर रहे हैं, 18वां अध्याय अभी बाकी है आके करेंगे। और शंकरानंदी बीच में मौनी जी ने की थी, मैं दक्षिण में था तो उनको खबर भी आई ऐसे ऐसे मौनी जी कर रहे हैं आप आ जाओ, तो हमारा तो वही था, श्याम जी को पता है जब तक महाराज जी की प्रेरणा नहीं होगी, तो इसलिए इधर इन लोगों ने शंकर पूरी तो नहीं कर पाए ये लोग, तो मुझे लगता है 10वां अध्याय 8वां 10वां 11वां अध्याय किया है। फिर बाद में महेशानंद जी और केवल्यानंद जी वहाँ मौनी जी के उधर जाके पूरा किया ऐसे करके। तो ये प्रथम तीन तो बहुत मुख्य है हम लोगों के संप्रदाय में, तीनों के तीनों हमारे पास हैं। तिलक भाष्य हम लोग प्राय नहीं रखते क्योंकि वो कर्मयुग प्रधान है, पर मतलब महर्षि तो है ना विद्वान और सब प्रकार के लोग आते थे, तो सब प्रकार के लोगों को उनके हिसाब से उनको उसका जवाब देना अभी बताएंगे इसी पैराग्राफ में। क्या कि उसके बाद तो फिर श्री रामानुज, अब देखिए जब वैष्णव संप्रदाय की टीकाओं का भी महर्षि ने अध्ययन किया, श्री माधव आदि से और भी ले लेना, वल्लभाचार्य, निर्वार्काचार्य है ना, उनकी संप्रदाय में जो जो टीकाएँ हैं वो सब महर्षि ने देखी, किस पे, गीता पे। तो ये सब जो हमारे महापुरुष है, यानी वो दो टीकाएँ तो उस महापुरुष ने दी है ना, एकलिंग स्वामी के बाद में महर्षि को ये अवसर भी मिला, और उसमें जब सब टीकाएँ देखी तब अब हम लोगों को महर्षि दृष्टि दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये सब जो हमारे महापुरुष हैं जिनके यहाँ नाम गिनाए हैं और नहीं भी गिनाए हैं है ना, वो बहुत बढ़िया बोलते हैं। बहुत बढ़िया कैसे बोलते हैं महाराज, ये जो हैं द्वैत वाले अद्वैत का खंडन करते हैं, अद्वैत वाले द्वैत का खंडन करते हैं, आप कह रहे हैं सब बढ़िया बोलते हैं, महाराज से समझा रहे हैं अपने अपने दृष्टिकोण से सबका ठीक है, उनके उनके मत से उनके उनके दर्शन से वे बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई काटने लायक नहीं है। बोले ऐसे कैसे महाराज, तो महाराज अंत में कहते हैं
हम उसकी उपपत्ति जानते हैं। तो उपपत्ति जानते हैं का मतलब किस दृष्टि से उन्होंने ये बात कही है। कल जो प्रश्न आया था बुद्धि योग के बारे में, वहाँ इसलिए उसको वो गंभीर हो गया पूरा, क्योंकि पूछने वाले जो सज्जन हैं वो भक्ति योग की मतलब भक्ति के साधक हैं। तो भक्ति की साधना वालों को वहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त है उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो राम के पिताजी ने प्रश्न किया कि वो को बुद्धि योग में क्या देते हैं, बुद्धि योग यानी भक्त को बुद्धि योग क्या देते हैं। इसलिए वो प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा था, क्योंकि शंकराचार्य जी, मधुसूदन जी ये स्पष्ट बोल दिए कि ब्रह्मात्मिक बोध ही बुद्धि योग है। पर ब्रह्मात्मिक बोध तो उसको चाहिए ही नहीं ना भक्त को। तो इसलिए फिर हमको मधुसूदन सरस्वती जी का ये देखना, मतलब इसमें आगे चल के उन्होंने क्या कहा है 18वें अध्याय में, अभी हुआ नहीं है हमारा आचार्य जी द्वारा, अभी पूरा नहीं हुआ है। पर उपसंहार जहाँ हुआ है तो थोड़ा हमको संस्कार था कि वहाँ कुछ विशेष बात मधुसूदन सरस्वती जी ने कही है, तो वो बात हमको लानी पड़ी। उसी महर्षि यही समझा रहे हैं कि उनके उनके मत से, उनके उनके दर्शन से वे बिल्कुल ठीक हैं, कहीं कोई काटने लायक नहीं है। हम उसकी उपपत्ति जानते हैं, महर्षि अगर उसकी उत्पत्ति जानते हैं तो हम लोग महर्षि के शिष्य हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि महर्षि का वो ज्ञान हमको मिले। महर्षि अगर इस बात को समझा सकते हैं कि भाई रामानुजाचार्य भी सही है और शंकराचार्य जी भी सही है, तो किस दृष्टि से सही है वो एक प्रश्न उठेगा ना। तो वो उत्पत्ति क्या है वो वहाँ मधुसूदन सरस्वती जी ने स्पष्ट कर दिया 18वें अध्याय में जाके, एकदम स्पष्ट बोल गए। बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो कल तो उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है, तो विशेष वो आपके महत्व का है। ईश्वर को सगुण मानो, है ना। अब गलती कहाँ कर रहे हैं हम लोग, ये महर्षि बता रहे हैं। ईश्वर को तो हम सगुण मान रहे हैं और शंकर भाष्य पढ़ रहे हैं, महर्षि कह रहे हैं समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शंकराचार्य जी ने, उनका ये कहना है कि शास्त्रों का तात्पर्य जो है वो ब्रह्म में है। तो शंकराचार्य जी जब गीता पे या ब्रह्म सूत्र पे या उपनिषदों पे भाष्य करेंगे तो इस चीज़ को सिद्ध करके दिखा देंगे कि तात्पर्य अद्वैत में ही है। अच्छा, अब इधर ये भक्त व्यक्ति है और भक्ति व्यक्ति पढ़ रहा है शंकराचार्य का भाष्य, तो कह रहे हैं कि ईश्वर को तो वो सगुण मान रहा है और पढ़ रहा है शंकर भाष्य, जो कि हर एक श्लोक में या प्राय तात्पर्य न इसी बात को सिद्ध करेंगे कि अद्वैत ही सत्य है, तो वो शंकर भाष्य पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, है ना। और ईश्वर को निर्गुण मानो, अब हम हैं, हम ईश्वर को निर्गुण यानी हमारे तात्पर्य न, हमको पता है कि ईश्वर जो है, ब्रह्म जो है, वो पारमार्थिक सत्य वही है और सत्य दो तीन नहीं होते, सत्य एक ही होता है। तो फिर अगर हमारी वो निष्ठा है और हम रामानुज भाष्य पढ़ें, तो रामानुज भाष्य पढ़ने के समय हमको वो दृष्टि रखनी पड़ेगी कि ये सगुण साकार का वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ईश्वर को निर्गुण मान के और रामानुज भाष्य पढ़ो तो वो समझ में नहीं आ रहा, सीधी बात है। क्योंकि वह तो एक एक दृष्टिकोण है। यानी आप श्याम जी, ये मज़ेदार बात आप देखिए कि कल ही इसका प्रैक्टिकल चल रहा था और आज यही पृष्ठ आया है कि किस प्रकार से वो बुद्धि योग को हमको एक भक्त को समझाना पड़ेगा। उसको सिर्फ हम शंकराचार्य जी की बात समझा देंगे उसको संतोष नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि किस कोणों से ये वह फोटो लिया गया है, है ना, क्योंकि वह तो एक एक दृष्टिकोण है। तो कोण है मतलब किस कोण से वह फोटो लिया गया है, इधर निर्गुण के कोण से लिया गया है, इधर सगुण के कोण से लिया गया है, दृष्टिकोण अलग अलग है। जब तक वह कोण नहीं पकड़ोगे तो कोण को पकड़ने की किसको फुर्सत है, संसार में इतनी चीज़ें पकड़ने के लिए है, अभी कोण को पकड़े, है ना। तो कह रहे हैं कि जब तक वह कोण नहीं पकड़ोगे तब तक ईश्वर का स्वरूप वे कैसे बताते हैं ये मालूम नहीं पड़ेगा। ईश्वर का स्वरूप शंकराचार्य जी भी बता रहे हैं, रामानुजाचार्य जी भी बता रहे हैं, मध्वाचार्य जी भी बता रहे हैं,
पर ईश्वर का स्वरूप में कैसे बताते हैं, है ना, वो नहीं मालूम पड़ सकता अगर हम उनके कोण से. अंग्रेजी में कहते हैं, आपको हमारी तकलीफ समझ नहीं है, यू हैव टू बी इन माई शूज, यानी मैं जो जूते पहनता हूँ वो जूते आपको पहनने पड़ेंगे. उसका अर्थ हो जाएगा कि यू हैव टू बी इन माई शूज. तो अब आप थोड़ी जूते पहनने थोड़ी जाओगे. वो कहावत है, हाँ, कि भाई जब तक आप मेरी मन स्थिति को नहीं समझोगे कि मैं क्यों इतना दुखी हो रहा हूँ, है ना. स्वामी जी, पर आप तो स्वामी जी हैं, आपको क्यों दुख होना है, है ना, आप तो दुख के परे हो. अरे दुख के परे आत्मा है भाई, यहाँ हमको आके लोगों ने पीट दिया, है ना, हमारा कोई कोई ये ना समझे कि भाई सच में पीट दिया, मतलब एक बात बता रहा हूँ, तो अब हमारा कोई दोष नहीं और हमको पीट दिया तो हम क्या करें, हम सुखी हो कि, हालांकि भक्त को तो सुखी होना चाहिए कि उसमें भी कोई भगवान की कृपा है, कोई पिटाई हुई है, पर खैर जो कष्ट है शरीर का उससे जो दुख हो रहा है वो तो व्यक्त करना ही पड़ेगा ना, उसका तो उपचार करना ही पड़ेगा. इसलिए दृष्टिकोण क्या है, शंकराचार्य का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है, रामानुजाचार्य जी बिल्कुल भक्ति दृष्टिकोण से कर रहे हैं, मध्वाचार्य जी उससे भी नीचे आके, है ना, द्वैत को ही, है ना, प्रधानता देके, कम से कम उनका विशिष्ट अद्वैत तो है. मध्वाचार्य जी कहते कि नहीं, द्वैत ही सत्य है. तो कहाँ द्वैत कहीं, और कहाँ विशिष्ट अद्वैत, कहाँ केवलाद्वैत, है ना. इसलिए महर्षि ने पृष्ठ दिया है, अभी आगे बढ़ने की गुंजाइश है. गुंजाइश है मतलब बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो. तो भक्ति वाले लोग, है ना, सोचते हैं कि बस हमारा तो काम ठाकुर जी सब कर देंगे और बस ऐसा इतना ही करना है अपने को. महाराज जी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, तो हमने बाबा को लिखा कि ये दो पृष्ठ पढ़ो, अभी बात आगे बढ़ने की गुंजाइश है. पिछली बार तो बाबा का पत्र आया, बोले कि रामकृष्ण परमहंस भी यही कहते थे, बोले आगे बढ़ते चलो, है ना, पहले चांदी की खान मिलेगी और आगे बढ़ो, फिर सोने की खान मिलेगी, फिर और आगे बढ़ो, फिर हीरे की खान मिलेगी. ऐसे है, आप लोग देख ही रहे हो, गोपालगढ़ आ रहे हो, पहले चांदी की मिली, फिर सोने, अब हीरा है, चांदी के रहे काम मिल रही.